गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं गुरसेवक सिंह, एक फिजिक्स लेक्चरर, आपके सामने आया हूँ कुछ नई चीज के साथ, कुछ नई चीज के लिए बच्चों के लिए। और वो ये है कि इस साल का जो फिजिक्स का पेपर होगा वो कुछ हटके होने वाला है। रीज़न उसके पीछे का ये है कि पैटर्न जो है सीबीएसई ने अच्छा खासा चेंज कर दिया है और दिक्कतें पैदा कर दी हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी होती और एंड ऑफ द डे वो क्या कहते हैं अब क्या पढ़ा जाए। दिक्कत उनके लिए होने वाली है जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए पैटर्न बहुत आसान है। बट दिक्कत उनके लिए है जिन्होंने क्लास में कभी टीचर को नहीं सुना, जिन्होंने थॉरली स्टडी नहीं करी, जिन्होंने क्लासेस ही अटेंड नहीं करी, बस पेपर देने के लिए एक दिन पहले किताब उठाई और पेपर देने चले गए। बट पैटर्न इतना इजी हो गया कि अगर वो बच्चे आज भी चाहें, अभी भी चाहें, तो वो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उन बच्चों की जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने थोड़ा पढ़ा और जिन्होंने बहुत पढ़ लिया। तीनों कैटेगरी की मैं बात करूँगा कि एक प्रॉपर तरह से मैं गाइड करना चाहूँगा उन बच्चों को कि वो अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, जिनको उम्मीद हम अच्छा करेंगे तो उससे और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उनको भी गाइड करना चाहूँगा। अब पहली चीज़ तो यहीं पर ऐसी आएगी अगर मैं ये बोलता हूँ कि 3 महीनों के अंदर अंदर, जैसे आज 30th of November है, तो मैं कहूँ आपको कि आज भी एक बच्चा 90-95% फिजिक्स में स्कोर कर सकता है अगर वो आज भी जाग जाए। अब बात सोचने पर तो ऐसा लगता है यार जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो आज भी 95% या 90% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकता है। तो उसके लिए एक चीज़ तो ज़रूरी ये है कि उसको एटलीस्ट जैसे फिजिक्स का पी आना चाहिए कि क्या कहता है, उसी तरह से उसको कुछ ना कुछ बेसिक सर पर्टिकुलर चैप्टर का पता हो, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पता हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्स लॉ पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता हो, कुछ बेसिक चीज़ें ये पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली करना क्या है, मतलब अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही, तो बेसिकली करना क्या है इस स्टेज में जब आपको कुछ नहीं आता है, मतलब जब जैसे बोला ना कि आपको बेसिक्स एटलीस्ट पता ही हो, थोड़ा थोड़ा पता हो, ज़्यादा नहीं, तो 3 महीने दिसंबर जनवरी फरवरी उसमें भी आपके प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम्स, उसकी प्रिपरेशन, प्री बोर्ड्स उसकी प्रिपरेशन, तो क्या करें, प्री बोर्ड्स का रिजल्ट देखना है, बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स का रिजल्ट भी देखना है, तो किस एक को सेक्रीफाइस करें, प्री बोर्ड्स को या बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स को, ताकि अपनी जो तैयारी है उसको प्रॉपर कर सके। बिल्कुल कुछ ना कुछ है आपको जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो है उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं करा अभी तक, तो उनको सेक्रीफाइस बोर्ड के प्रैक्टिकल्स को नहीं करना है, उनको सेक्रीफाइस कुछ ऐसा करना है जैसे प्री बोर्ड्स में अपनी तैयारी पूरे सिलेबस को लेकर ना चले, कुछ बेसिक पकड़े, कुछ कंटेंट पकड़े जिसके थ्रू वो पास भी हो जाए और वो कंटेंट अच्छे से तैयार भी हो जाए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ACEMI हो गया, ये पहले 4 चैप्टर्स, इनकी अच्छी खासी वेटेज होती है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस ये कवर कर लेते हैं। तो अगर आप ये 1-1.5 महीने में इसको जैसे तैसे करके कवर कर ले और प्री बोर्ड्स इसी के बेसिस पर ही दें, इन्हीं के बल पर दें, तो आप एटलीस्ट प्री बोर्ड्स में पास भी हो जाओगे और आपकी बोर्ड के लिए पहले 4 चैप्टर्स की तैयारी भी हो जाएगी। बट आप ये सोच के चले कि ना हम सारी तैयारी करेंगे प्री बोर्ड्स में, तो वो जैसी तैयारी प्री बोर्ड्स की हुई है वैसी तैयारी फिर आपकी बोर्ड्स की होने वाली है, फिर वहाँ प्रॉब्लम आती है आपके साथ। ऐसा भी हो सकता है कुछ ईजी सी यूनिट्स उठा के उनकी तैयारी करी जाए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, EMWaves हो गया, ठीक, और मेरे मानने में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा खासा यूनिट ईजी है, अगर उसके एक आधे टॉपिक को छोड़ दिया जाए, और वो सेम टॉपिक्स में एट अ टाइम कहूँगा कि वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़े से ट्विस्टिंग है, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट अगर आपको इसका कंसेप्ट अगर आपने एक बार में इसका सही पकड़ लिया, एक किसी अपने टीचर से समझ लिया, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, आपको जस्ट इसमें रिवीजन करनी पड़ेगी और आपका अच्छा खासा एक कंसेप्ट जो है ये चलेगा। फिर जब BSc में भी जाओगे तो वहाँ भी काम आएगा, MSc में जाओगे वहाँ भी काम आएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली इन कंसेप्ट को लेकर। अब बात करता हूँ मैं एवरेज बच्चों की जिन्होंने एग्ज़ाम से पहले अच्छी खासी तैयारी करी होती है बट पूरे साल नहीं पढ़े होते, एग्ज़ाम से पहले पढ़े होते हैं, अपने दोस्त को पकड़ लिया, अपने टीचर को पकड़ लिया, सर पढ़ा दीजिए, करवा दीजिए,
उन्होंने करा होता है, अच्छे से करा होता है, बट ये है कि अगर मैं बोर्ड की कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताऊं तो वो 70 to 85% को बिलोंग करते हैं, वो फिजिक्स में भी इसी कैटेगरी को ही बिलोंग करेंगे। बट रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा है, टीचर को भी कम सुना है। अगर टीचर को सुना है तो उनका एक पार्ट बड़ा स्ट्रांग होगा। यहाँ पर एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स जो आने वाले हैं वो कुछ ऐसे आएंगे कि टीचर जब पढ़ा रहा होगा तो वो उन बारीकियों पर भी जाता है जो फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाली है, क्योंकि वो बारीकियाँ, वो पर्टिकुलर कंसेप्ट टीचर लिखवा नहीं पाता है, वो बुक्स में लिखी होती है, और हर बच्चा पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ पाता है। एक अच्छा बच्चा पढ़ेगा, एक अच्छा बच्चा पूरी की पूरी बुक पढ़ेगा, बट एक मीडियोकर के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उसको और भी काम करने होते हैं भाई, उसको खेलना भी है, उसको मोमोज भी खा जाके खाने अपने अपने ठेलों पर, उनको जाके दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं था पूरे साल कि वो पूरी पूरी बुक पढ़ ले, कोई एक पर्टिकुलर सैम्पल लेके वो पूरा पूरा सैम्पल पूरा कर ले। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं उसके लिए उनको एक ऐसी राय देना चाहूँगा कि जैसे वो भी 90+ स्कोर कर सकते हैं, तो वो क्या करें, एक पर्टिकुलर सैम्पल पेपर, कोई एक सैम्पल पेपर लेके चलें, और वो पूरा का पूरा सैम्पल पेपर आराम से, अगर वो दिल से पढ़े पर दिमाग लगा के पढ़े, दिल से पढ़े दिमाग लगा के पढ़े, तो वो आराम से 1-1.5 महीने में कवर कर लेंगे पूरा का पूरा सैम्पल पेपर। उसकी रिवीजन भी हो सकती है लास्ट के 15 दिनों में, बट ऐसा नहीं है जस्ट फिजिक्स ही करनी है उस समय। आपके पास तीन और मेजर सब्जेक्ट्स हैं, PCM हो सकता है, PCB हो सकती है, PCMB भी है, कुछ बच्चे मैंने देखा है उनके लिए तो और प्रॉब्लमेटिक है, और किसी के पास CS भी है, और आजकल तो PHE भी इजी नहीं है, PHE में भी अच्छा खासा सिलेबस बढ़ चुका है। मैं देख रहा था कि हमारे टाइम की जो PHE थी उसमें तो कुछ भी नहीं था, आज की PHE में फिजिक्स भी आ रखी है, केमिस्ट्री भी आ रखी है, बायो भी आ रखी है। तो मेरे हिसाब से तो इस समय जो मोस्ट टैलेंटेड टीचर होगा वो तो PHE का होगा, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। हम तो जब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो आपने एक सब्जेक्ट किसी को भी ईजी नहीं लेना, कुछ बच्चे इंग्लिश को बड़ा इजी लेते हैं, तो इंग्लिश को भी इजी नहीं लेना, उसको भी टाइम दीजिए। अगर आपको वाकई में अपनी परसेंटेज स्ट्रांग करनी है तो प्लीज, जैसे एवरेज बच्चे की मैं बात करूँ तो एवरेज बच्चे को एक सैम्पल पेपर लेना है और कम्प्लीटली थॉरली उसको एक एक क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। फिर 90+ चाहिए तो अब आपके दिमाग में होगा सर क्वेश्चन हम सारे के सारे कैसे कर लेंगे, हमारे बस की नहीं होगी, हमने पूरा साल तो पढ़ा नहीं है, तो कोई तो ऐसे क्वेश्चन होंगे हमसे नहीं होंगे। तो ठीक है, उसके सामने स्टार बना दीजिए, आस्क लिख लीजिए, और वो टीचर से कल जाके कंफर्म करिए, उनका दिमाग खाइए, उनसे पूछिए, वो यही जरूर कहेंगे बेटा पूरे साल कहाँ से अब कहाँ आए, बट ठीक है थोड़ी सी डांट खा लूँ ना वहाँ पे, क्या दिक्कत है, आपका ही भला तो हो रहा है, आपके लिए तो कर रहा है वो सब कुछ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, और कंट्रोल में लेके ये अपने सेंसेस को, और काम करना शुरू करो, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट अ बैड, इफ यू नॉट अ गुड स्टार्टर यू कैन बी अ वेरी गुड फिनिशर, सीरियसली ट्रस्ट मी। ये बोल्ट का कहना है, उसेन बोल्ट का, वो अच्छा स्टार्टर नहीं था बट फिनिशर बहुत अच्छा था। तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए और यू कैन ईजिली डू दिस थिंग्स। जो मैंने अपने टॉपर्स के साथ जो प्रॉब्लम देखी है वो प्रॉब्लम ये देखी है कि उन्होंने वो चीज़ें छोड़ी होती हैं जो सबसे आसान होती हैं या गलत करके आ जाते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, आपको वो पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस ही रखना है, जितना फोकस आप डिफिकल्ट चीज़ों के ऊपर रख रहे हो तो आसान चीज़ों को भी उतना ही ध्यान से पढ़िए, ताकि आपकी हर एक पर्टिकुलर चीज़ का लेवल सेम रहे, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, किसी को कम इंपॉर्टेंस नहीं देनी, सबको सेम लेके चलो, क्योंकि आपके पास दिमाग इनफ है, आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आज से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आज 30 नवंबर है, 3 महीनों के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, मतलब आपका जो बेसिक होगा वो अच्छा खासा बिल्डअप हो जाएगा अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट, कीप इन टच इफ़ यू कैन विद मी, आई विल हेल्प यू आउट इन एनी केस, जस्ट ट्रस्ट मी, एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स जस्ट लेट मी नो, दिस इज़ माई नंबर 7599459883। थैंक यू सो मच।